ऑलरेडी स्टार्ट हो गया और आप देख पा रहे हैं कि एक भी पानी का बर्तन नहीं है और पानी का बर्तन यहाँ पे साफ सुथरा करके रखा गया है। और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कहाँ पे मैं धोता हूँ ये जो पानी है, एक बर्तन पे पानी लेके इसमें ब्लीचिंग पाउडर या तो फिर टैबलेट जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल करके इसको एकदम साफ सफाई करके धोने के बाद ही फ्रेश पानी देता हूँ, क्योंकि इसको धोने का दरकार आपको दिन में 2 टाइम पड़ेगा। जब इकोलाई जो बीमारी अगर आपके फर्म में बार बार आ रहा है तो आप ये जो पानी का बर्तन है थोड़ा सा साफ सफाई करके उसको पानी देने से ये जो इकोलाई है इकोलाई थोड़ा सा काम आता है, क्योंकि ये जो इकोलाई बीमारी है ये आता है पानी के माध्यम से। अगर गंदा पानी वो अगर पिएगा तो उसमें से आ सकता है। और दोस्त आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से सुबह में फीड इनटेक कर रहे हैं, और मैं एक बार आपको दिखा दूं कि किस तरह से ये फीडर का जो फीड में कल रात को देखे गया गड्ढा कर दिया, तो इसको फिर से साइड से भर देना है। डिसान टैबलेट है ब्लीचिंग पाउडर का, यही इस्तेमाल करूँगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं इस्तेमाल करता। तो दोस्त पहले एक छोटा सा मैं टुकड़ा ले लेता हूँ और अभी इसको मैं टंकी में, और दोस्त मैं जिस तरह से करता हूँ उस तरह से आप अगर करेंगे तो आपका मेहनत थोड़ा सा बच जाएगा, ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। तो मैं पहले इसको मेरा जो टंकी है उसमें दे देता हूँ, और इसके अंदर ही एक पाइप रखा हुआ है तो इसको देखिए मैं उसको थोड़ा घुला देता हूँ, उसके बाद ये बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेम टू सेम पानी देने का जो काम है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। और इसमें एक फ़ायदा है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ये जो पाइपलाइन है ये पाइपलाइन से कंटिन्यू फ्रेश पानी, मतलब जो मेडिसिन मैंने इस्तेमाल किया वो आता रहेगा और मेरा जो बंदा एक एक बर्तन को डुबो के उसमें फ्रेश पानी देता रहेगा। तो इसमें से मतलब मान लीजिए कि एक बाल्टी आपने फ्रेश पानी लिए और हर एक बाल्टी में आपने छोटा छोटा करके मेडिसिन का टुकड़ा डालते रहे, तो इसमें आपका जो टाइम है थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मेरा सलाह अगर मानिएगा तो मान लीजिए कि आपका सुबह के पानी में 100 लीटर या तो फिर 50 लीटर जो भी पानी आपका इस्तेमाल होने वाला है तो उसको आप पहले टंकी में मेडिसिन दे दीजिए। तो मेडिसिन देने के बाद अभी मेडिसिन का जो पानी है मतलब कंटिन्यू आता रहेगा, तो कंटिन्यू ये जो बर्तन इसको डुबो के आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से मैं ही इस्तेमाल करता हूँ। और दोस्तों तो जैसे जैसे पानी देने का काम चल रहा है और आपको मैं दिखा दूँ कि किस तरह से चीज जो है वो ठीक तरह से पानी इनटेक कर रहा है। और दोस्त ये जो पानी देने का काम है अगर मेरा सलाह मानिएगा तो मतलब 10-15 मिनट चिक्स को छोड़ के पानी दीजिए तो उसका जो प्यास है थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो सोचा एक वीडियो बना के आप सभी के साथ शेयर कर लूँ। अब समाप्त करते हैं ये वाला वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जाके हर पोल्ट्री फार्म वाले को मेरा सूचना मिल सके, उसका लाभ हो सके। धन्यवाद।